करताज ना इंसानी तारीख के सबसे बड़े जर्नेल हैनिबाल का शहर, जिसे तारीख में मोहब्बत की धरती के नाम से भी जाना जाता है और फनकारों की सरजमीन के तौर पर भी। करताज ना आज से लगभग 2500 बरस कबल अफ्रीका के साहिल पर एक पुरुषकु सल्तनत थी। अरबी में करताजना और अंग्रेजी में कार्थेज इन चंद शहरों में से एक था जो दस्ते कुदरत के हाथों सफ़ा हस्ती से मिटा दिए गए, लेकिन तारीख आलम और तहजीब आलम पर नहायत गहरे असरात छोड़ गए, जैसा कि बाबुल, नीनवा, मम्फस और सुदूम। ये शहर एशिया के फैनकियों ने आबाद किया था, वही फैनकी जो कदीम दुनिया के कारीगर की हैसियत से जाने पहचाने जाते हैं। इस नावल की कहानी तारीखी वाकयात पर मुश्तमिल नहीं है, क्योंकि करताजना की तारीखी वाकयात का रिकॉर्ड कहीं मौजूद ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा हैनिबाल के वाकयात में करताजना की कुछ तस्वीर सामने आती है, जिससे हम अहले करताजना के रहन सहन, बाजारों, गलियों, सड़कों, तर्ज हुकूमत या रूम के साथ इनकी दुश्मनी से आगाह हो सकते हैं। हम आज भी इस शहर के खंडरात देख सकते हैं, पत्थरों के वसी ढेर, टूटी हुई दीवारें और ऊंची नीची गलियां, जहां कभी अहले मोहब्बत का बसेरा था। ये खंडरात मौजूदा त्यूनिस के नवाह में वाक़े हैं। करताजना हैनिबाल की वजह से खंडरात में तब्दील होकर भी जिंदा है। हैनिबाल के साथ ही करताजना भी तबाहो बर्बाद होकर सफा हस्ती से मिटा दिया गया और यह तबाही रोमियो के हाथों अमल में आई। लेकिन जेरे नजर नावल इस दौर से पहले की तारीख फर्ज करके लिखा गया है। इस नावल में आपको मोहब्बत का शहर हंसता बसता और आबाद दिखाई देगा। अहले करताजना बहुत अच्छे लोग थे। हैरत है कि दस्ते कुदरत ने इन्हें क्यों मिटा दिया। हीरे लडीम के बकोल, फैन की वो कौम जिन्होंने समुद्री रास्तों के जरिए दूसरे मुल्कों के सफर किए, स्पेन को आबाद किया, अफ्रीका में शहर बसाया, लेकिन कहीं भी वो फाते बनकर दाखिल नहीं हुए। वो अपनी बनाई हुई चीजें बेचने के लिए पहुंचे और यूं वो दुनिया की वाहिद कौम है जिन्होंने तजारत और फन को तस्खीर अर्ज का हथियार बनाया। सामीन कराम, करताजना क्या है और फैनकी कौम क्या थी, या इनकी आदादात, तर्ज हुकूमत और रस्म रवाज क्या थे, ये तफसीलात तो नावल की कहानी के साथ साथ आपको खुद ब खुद मिलती जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि करताजना आपको बेहद पसंद आएगा। अपनी आरा का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। आइए चलते हैं कहानी की जानिब। बाबे अव्वल, महापुजारी का बेटा। अब मौसम की शिद्दत में कमी आने लगी थी। बर्फबारी तो रुक चुकी थी, लेकिन धरती अभी तक पूरी तरह सफेद चादर में लिपटी थी। पिछला पूरा महीना आसमान से इतनी बर्फ गिरी थी कि पूरी वादी बर्फ की कपास का सहरा दिखाई देती। शहर सर्दी की शिद्दत ने दरख्तों को भी सफेद चादरों में छुपने पर मजबूर कर दिया था। चश्मे और नदियां सफेद बर्फ में ढक चुकी थी। बर्थास के लश्करियों को पानी हासिल करने के लिए बर्फ को पिघलाना पड़ता। अब वो लोग गर्म ऊनी खेमों में भी खुले आसमान तले न रह सकते थे। रात भर इतनी बर्फबारी होती कि बर्फ जमीन से कई हाथ ऊपर उठाती। यही वजह थी कि पूरे लश्कर ने पहाड़ी गारों में डेरे डाल रखे थे। कुछ गारे तो कुदरती थी और कुछ बर्थास के जफाकश लश्करियों ने खुद खोदी थी। बर्फबारी के मौसम से पहले पहले उन्होंने खुद को महफूज कर लिया था, लेकिन असल मसला बर्फ से बचना तो ना था। 19,000 के लश्कर की खुराक का इंतजाम दर हकीकत बर्थास के लिए असल मसला था। वो ना चाहता था कि हालात इसे अपनी ही लदू जानवरों का गोश्त खाने पर मजबूर कर दे। पड़ाव के आगाज में बर्थास ने इस नहायत बेचैनी से इस हकीकी मसले पर गौर किया। तब इसने लश्कर की तमाम रस्त का जायजा लिया और हर हर लश्कर के लिए खुराक की एक मखसूस मिकदार तय कर ली। फिर भी वो दो माह से ज्यादा अरसे तक यहाँ मोर्चा बंद न रह सकते थे। बर्थास ने इस मुश्किल का हल यही निकाला कि आसपास की बस्तियों को मुकम्मल तौर पर लूट लिया, नौजवानों को बर्फानी रीछ, बारा सिंगे और बकरे के शिकार हासिल करने के लिए लश्कर में रख लिया, बच्चों, बूढ़ों और औरतों को कत्ल कर देने का हुक्म दे दिया। अब वादिया दारियून की सारी बस्तियों के 1700 नौजवान सारा दिन करताजनी लश्कर के लिए शिकार खेलते थे। बर्थास का तरीका जंग हमेशा ही से ऐसा होता था। ये वादी जिसके पहाड़ी गारों में करताजनी लश्कर पड़ाव डाले हुए था, दर्रा दारियून के सामने इंसानी हाथ की तरह फैली हुई थी। दर्रा दारियून से बरामद होने वाला लश्कर इस वादी के मैदान में दाखिल होते ही बर्थास के तीर अंदाजों की जद पर होता। पिछले 4 माह से इस बर्फानी वादी के गारों में करताजनी लश्कर के जफाके सिपाही छुपे रूमियों का इंतजार कर रहे थे।
बर्थास को यकीन था कि रूमी सालार अरमेंडस का समंदर की तरफ जाने के लिए वाहिद रास्ता यही पहाड़ी दर्रा ही था। दरअसल बर्थास को इसके जासूसों ने जू ही इत्तला दी के समंदर में एक बहरी बेड़ा यांदरान की साहली चट्टानों की जानिब बढ़ रहा है, तो बर्थास को फौरी अंदाजा हो गया कि यह बेड़ा रूमी सालार अरमेंडस को करताजनियों के शिकंजे से निकालने की खातिर रूमी हुकूमत ने भेजा है। तब बर्थास ने सरमा के आगाज में नहायत तेजी के साथ शुमाल की जानिब कूच किया और वादिया दारियून में आकर पड़ाव डाल दिया। अहले करताजन और रूमियों की जंगी आखमचोली गुज़श्ता कई साल से जारी थी। दरअसल जुजू रूमी हुकूमत वसी होती चली गई तो बहरे रूम में इनका दखल भी बढ़ता चला गया। अहले करताजिना बुनियादी तौर पर जंग पसंद लोग नहीं थे, लेकिन रूमियों की बहरे रूम में नारवा जारादारी ने करताजिना की मजलिस शुरा को मजबूर कर दिया कि वो समंदर और खुश्की हर दो जगहों पर अपनी फौजें भेजकर रूमियों को अपने अजीम होने का यकीन दिलाए, और मजलिस करताजिना अपने इस मनसूबे में बहुत हद तक कामयाब भी रही थी। अगरचे समंदर में तो रूमियों की जारादारी वैसे ही थी, लेकिन मशरकी यूरोप के बहुत से साहली इलाकों पर अफैन की सनतकार नई बस्तियां बसाने के लिए उतर रहे थे, क्योंकि इन इलाकों से करताजनी सालार बर्थास ने रूमियों को बेदखल कर दिया था। वो एक बहुत बड़ा जर्नेल था। गुज़श्ता 3 साल से वो मशरकी यूरोप के इन साहली इलाकों को ताराज करता फिर रहा था जो बहरे रूम के शुमाली किनारों पर आबाद थे। अगर वो मजीद मशरक की तरफ यलगार करता तो शायद यूनानी बादशाह को बिलावजह नाराज कर बैठता। यही वजह थी कि वो सिर्फ इन इलाकों में अपनी गोरिल्ला जंग का बाजार गर्म किए हुए था जो रूमी सल्तनत के जेर तसल्लत थे, और बर्थास के इस यलगार से यूनानी बादशाह खुश तो हो सकता था, नाराज नहीं। यही वजह थी कि वो अपनी सरहदात की जानिब से चश्मपोशी किए मजे से हुकूमत कर रहा था। लेकिन बर्थास की छाताबरदार यलगारों ने रूमी सल्तनत को बुरी तरह परेशान कर दिया। मजलिस करताजिना ने बर्थास को 3 साल पहले बहरे रूम उबूर करके यूरोप के मशरकी साहिलों पर उतरने का हुक्म दिया था। इसी तरह का एक लश्कर उन्होंने बूढ़े मुआबरेस की जेर कमान बहरे रूम के पानियों में रूमियों के साथ खुले मार के लड़ने के लिए भेजा था। बूढ़ा और तजर्बाकार मुआबरेस जो 40 साल तक बहरे रूम के पानियों पर एक खतरनाक कजाक के तौर पर हुक्मरानी करता रहा था, अब अपने फैन की खून का हक अदा करने निकला था। 200 जहाज और 12,000 की फौज लेकर करताजिना के साहिलों से बहरे रूम में आगे बढ़ने वाले मुआबरेस ने जगह जगह रूमियों के दांत खट्टे किए, लेकिन रूमियों की ताकत मुआबरेस से कई गुना ज्यादा थी, इसलिए बूढ़े डाकू को भी बहरे रूम में छापामार लड़ाई लड़नी पड़ी। मजलिस करताजना के जासूस अपने दोनों जर्री सालारों की हर खबर बर वक्त करताजना पहुंचाते रहते थे, और मजलिस करताजना के दानिशमंद अरबाब हुकूमत बवक्त जरूरत बेहतरीन हिकमत अमली तैयार करते रहते थे। करताजना एक ऐसा शहर था, एक ऐसा शहर जिसे दूर से देखते ही मुसाफिरों की थकन उतर जाया करती थी। बर्रे आजम अफ्रीका के इंतहाई शुमाल में बहरे रूम के जनूबी साहिल पर वाक़े दौरे कदीम का यह हसीन शहर माजी में इंसानी अजमत की एक ऐसी मिसाल जिसकी बाज़ खूबियों का मुकाबला मम्फस, सिकंदरिया, पासागर और बाबुल नैनवा भी न कर सकते थे। इस शहर की सबसे अनोखी और निराली बात मोहब्बत थी। ये दुनिया का वाहिद शहर था जिसे एक हसीन और दाना दोशीजा ने आबाद किया था। शायद संगे बुनियाद रखते वक्त हवा की इस बेटी ने अपनी ममता का कुछ रस करताजिना की फिजाओं में घोल दिया था। अहले करताजिना आज भी अपनी इस महविशे आसमानी की मूर्तियां बनाकर सुबह शाम इसके आगे प्रार्थना करते थे। अहले करताजिना में मोहब्बत की फिजा इसलिए नजर आती थी कि करताजनी कौम बुनियादी तौर पर ऊंचे दर्जे के फनकारों की औलाद थी। माजी कदीम की तमाम दुनिया को इस वक्त की जदीद तकनीकें, आलात, अशिया इस्तेमाल, बर्तन, कपड़े, मुसव्वरी, संग तराशी, मौसीकी और आलात साजी फिल हकीकत फैनकियों ने ही फराहम की थी। तौरात और ज़बूर में शहर सोर के तज़किरे हैं। ये एशियाई कोचक के मग़रिब के किनारे पर आबाद हुनरमंद एशियाओं का एक जन्नत नज़ीर शहर था। अहले करताजना इन्हीं फैनकियों की औलाद थे। इनकी रगों में दौड़ने वाला एशियाई खून इन्हें आज भी एक अच्छा हुनरमंद या फनकार बनाने के लिए इसी तरह पुरजोश था जिस तरह सदियों पहले शहर सोर में हुआ करता था। दुनिया को जहाज साजी का फन सिखाने वाले फैनकी माजी बेद में भी एहसास की दौलत से मालामाल थे। ये वो जमाना था जब यूनान में फलसफा और मिस्र में साइंस तरक्की कर रही थी। करताजना में बदस्तूर मोहब्बत परवान चढ़ रही थी। फन और हुनर की मोहब्बत ने अहले करताजना के चेहरों से करख्ती के निशानात मिटा दिए थे। यही वजह थी कि इस हसीन शहर के मर्दोजन परिस्तान की शहजादियों और शहजादों जैसे हसीन थे। बर्थास एक ऊंचे टीले पर खड़ा दर्रा दारियून से आने वाली पुरबहार हवाओं का इस्तकबाल कर रहा था। इसके बदन पर मोटी फरका भारी ऊनी लिबास इतना शानदार था कि बेइख्तियार करताजना के हुनरमंदों का ख्याल आ जाता था। बर्थास के सर पर चमड़े की गोल टोपी हिंदुस्तानी कपास से भरी किसी ताज की तरह शानदार दिखाई देती थी। 40 साल बर्थास की निगाहें दर्रा दारियून पर थी। इसके जासूस रूमी सलार
अरमेंडस की नकलो हरकत और दारियन की तरफ बढ़ते हुए रूमी लश्कर की हर खबर इस तक पहुंचा रहे थे। लश्कर के बाकी सिपाही मामूल के कामों पर जुटे थे। चारों तरफ सफेद बर्फ और बर्फ से ढके दरख्त देखकर बर्थास ने अंदाजा लगाया कि अब मजीद बर्फबारी नहीं होगी। आज सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। पड़ाव के ज्यादातर लोग इस वक्त गारों से बाहर खुली वादी में मसरूफ और मशगूल थे। कर्ताजिना के सिपाही अपने साथ अपनी औरतों को तो ना ला सके थे, लेकिन रूमी कस्बों और रूमी देहातों से अपनी यलगारों के दौरान उन्होंने इतनी नौजवान लड़कियां असीर कर ली थी कि अब इनके लिए औरत के जिस्म की भूख मसला न रही थी। लश्कर में 1500 से ज्यादा दोशीजाएं थी जो 19,000 सिपाहियों का खाना तैयार करती और रात को अपने अपनी बारी के हिसाब से कर्ताजनी सिपाहियों के बिस्तर गर्म करती। बर्थास ने अपने लिए 7 लड़कियों को चुनकर अलग कर लिया था। इन रूमी औरतों को अपने बिस्तरों पर सजाकर कर्ताजनियों को कुछ बुरा न लगता था। दरअसल इंसानी अखलाकियात का इर्तका अभी कबले मसीह की सदियों में आहिस्ता आहिस्ता सफर कर रहा था। ये वो दौर था जब जंग और मोहब्बत में सब कुछ जायज और दुरुस्त समझा जाता था। 1500 रूमी औरतें हर रोज आफ्ताब की ठंडी और चमकीली धूप में कोहकाफ की परियों की तरह कर्ताजनी लश्कर में घूमती फिरती नजर आती थीं। कलाडीना भी इन असीर दोशीजाओं में से एक थी। इसके माँ बाप और बहन भाई कर्ताजनी सिपाहियों के हाथों मारे गए। कलाडीना चाहती तो अपने खानदान की तरह लड़कर जान दे देती, लेकिन न जाने की उसने असीर होना मंजूर कर लिया। इसका खानदान आबाई तौर पर तो सिराक्यूज शहर का रहने वाला था, लेकिन इसका बूढ़ा बाप सिराक्यूज की सियासी ऊंचनी से तंग आकर जनूबी यूरोप के साहिलों पर आबाद हो गया था। बर्थास की यलगार ने जब यूरोप के जनूब मशरकी साहिलों को ताराज किया तो कलाडीना का पूरा खानदान कर्ताजनी तलवारों का लुकमा बन गया, लेकिन कलाडीना ने हथियार फेंक दिए थे। वो इतनी हसीन थी कि गिरफ्तार होकर आई तो इसे फौरन बर्थास के हजूर पेश किया गया। कर्ताजनी सालार इस खूबसूरत चेहरे की ताब न ला सका। वो खुशी से झूमता हुआ आगे बढ़ा और कलाडीना के करीब आकर कहने लगा, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत हो तुम, तुम्हारे साथ प्यार करके लुत्फ आएगा। कलाडीना कुछ न बोली। वो अपनी हसीन पलकें बरसे हुए बादलों की तरह उठाए अपनी मोटी मोटी आंखें बर्थास के चेहरे पर गाड़े न जाने क्या सोचती रही। आज कलाडीना के हर में दाखिल हुए 5 महीने होने वाले थे। वो इन 7 लड़कियों में सबसे बढ़कर हसीन थी जो बर्थास के आराम और राहत के लिए खास तौर पर चुनी गई थी। चट्टान पर ठंडी हवा के सामने सीना ताने खड़े बर्थास की निगाहें तैरती तैरती कलाडीना पर जा टिकी। वो आज कई रोज बाद निकलने वाली धूप में एक साफ पत्थर पर बाल खोले बैठी धूप ताप रही थी। बर्थास की पसंदीदा लोंडी के लिए सिपाहियों ने बर्फ पर पत्थर पड़ी हटा दी थी। बर्थास की नजरें सूरज के सामने बैठी रोशन रोशन रूमी लड़की पर टिकी हुई थी। वो बहुत उदास थी। बर्थास बड़े शौक से इसके साथ रात गुजारता, वो जी भरकर खुश होता, लेकिन कलाडीना अक्सर खामोश रहती। इसकी झील सी उदास आंखों में देखते हुए अक्सर बर्थास को यूं लगता जैसे वो इस गहरी उदास झील में डूब जाएगा, लेकिन वो एक फौज का सालार था इसलिए अक्सर सर को झटकता और कलाडीना के हुस्ने सैर से निकलकर इसके गुदार जिस्म से लिपट जाता। कलाडीना के सैर को यूं खुले बालों के साथ बर्थास ने पहली मर्तबा देखा था। इसे लगा जैसे यूनान की कोई देवी अतालिया की इस बर्फानी वादी में उतर आई हो। वो धीरे धीरे चट्टान से उतरने लगा। आज कई दिनों बाद बर्फबारी रुकी थी। बर्थास सोच रहा था कि अगर एक दो दिन मजीद बर्फ न पड़ी तो वो गारों से निकलकर खुली वादी में खेमे नस्ब करने का हुक्म दे देगा। चट्टान से उतरकर कर्ताजनी सालार सिराक्यूज की हसीना की तरह बढ़ने लगा जिसे देवताओं ने मुलायम जमूर से बनाया था। इसके आसपास मौजूद कर्ताजनी सिपाहियों ने अपने सिपा सालार को रूमी लोंडी की तरह बढ़ते देखा तो उन्हें हैरत हुई, क्योंकि ये इनके ख्याल में कर्ताजनी सिपा सालार के शायान शान नहीं था कि वो लोंडी को अपनी तरफ बुलाने के बजाय खुद चलकर इसकी तरफ आए। कलाडीना भी बर्थास को देखकर हैरान रह गई। वो लहराकर उठी और बर्थास के सामने सर झुकाकर खड़ी हो गई। कलाडीना, मैं तुम्हारा पूरा खानदान तुम्हें वापस नहीं दिला सकता, लेकिन इसके बदले जो तुम चाहो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। क्या तुम अजीम सालार बर्थास के बिस्तर की रानी बनकर खुश नहीं हो? तुम्हें उदास देखकर कर्ताजनी सालार को दुख होता है। कलाडीना की आंखों में हैरत की परछाई नजर आई। आज पहली मर्तबा फातेह सालार ने इससे उदास रहने की वजह पूछी थी। दर्रा दारियों से आने वाली ठंडी हवा के झोंके कलाडीना के काकलों को लहरा रहे थे। इसकी पलकें थरथराई और दो मोटे मोटे कतरे बरगे गुल के साथ अटकी हुई शबनम की धारीदार पत्थर पर टपक पड़े। बर्थास को ऐसा लगा जैसे इसने असीर रूमी दुशीजा के किसी गहरे दुख को छेड़ दिया हो। कलाडीना ने अपनी उठी हुई पलकें झुका ली। तब बर्थास इस वादी के मैदान में मौजूद अपने सिपाहियों की परवाह किए बगैर इस धारीदार पत्थर पर बैठते हुए बोला, बैठो ऐ हसीना रूम, बैठो, मुझे बताओ मैं तुम्हारा दुख दर्द कैसे दूर कर सकता हूँ।
कलाडीना की आंखें हैरत से फैल गई। वो तो सिर्फ इसके बिस्तर की साथी थी। बर्तास जैसे कातिल के दिल में दर्द का ये एहसास क्यों कर पैदा होने लगा था। कलाडीना इसी पत्थर पर दोबारा बैठ गई। हर कोई अपने अपने काम में मशगूल था। वादी का पूरा मैदान धूप की वजह से खालिस चांदी की तरह चमक रहा था। चारों तरफ बड़ी सफेद बर्फ से मुनक्किस होने वाले सूरज की शुआएं इस खूबसूरत मैदान को बकिया नूर बना रही थी। दूर रसद के गारों के पास उगता हुआ धुआं इस बात का सबूत था कि लश्कर के लंगर खाने तैयार किया जा रहा है। ज्यादातर सिपाही बाज मुकाम से बर्फ हटाने का काम में मशगूल थे। बर्तास ने एक नजर आसपास के माहौल पर दौड़ाई, फिर रूमी हसीना से मुखातिब हुआ। मुझे महसूस होता है कि तुम्हारे दिल में कुछ है जिसे तुम अंदर ही अंदर सोचती रहती हो। तुम्हारे साथ की दीगर लड़कियां भी तो हैं, क्या इनके खानदान जंग के नजर नहीं हुए? लेकिन इनमें से कोई भी तुम्हारी तरह उदास नहीं रहती। क्या तुम बोलोगी नहीं कलाडीना? कलाडीना ज्यादा देर खामोश न रह सकती थी। इसके सामने करताजनी लश्कर का सिपा सालार बैठा था जो अब इसका आका था, और वो इसकी लोंडी थी। वो हैरान थी कि आज बर्तास एक हाकिम बनकर नहीं बल्कि एक दोस्त बनकर बात कर रहा था। चुनाचे इसे कहना पड़ा, मोहतरम सालार कार्थेज, मैं अपनी बुजदरी पर खुद से नादिम रहती हूँ। मेरे खानदान की बाकी लड़कियां जान पर खेल गई और उन्होंने गुलामी पर मौत को तरजीह दी, लेकिन मैं ऐसा ना कर सकी। यही मेरा दुख है और यही मेरी परेशानी। बर्तास की आंखें हैरत से फैल गई। इसके वहमो गुमान में भी ना था कि रूमी दोशीजा इतने वाशगाफ अल्फाज में अपनी नफरत भरी जिंदगी का इजहार कर देगी। इसकी तमाम तर उनसियत और रहमदिली धरी की दरी रह गई। वो बुरी तरह सटपटा गया। मैदान जंग में आन की आन में बड़े बड़े फैसले करने वाला जनरल एक मामूली लोंडी के सामने भौंकला गया था। अब वो क्या कहता? क्या वो अपनी इस पेशकश पर कायम था? क्या इस बात के बदले रूमी दोशीजा को आजाद कर देता? वो गुस्सा भी तो ना कर सकता था। इसने खुद कलाडीना से इसके दिल का हाल पूछा था और ये पेशकश भी की थी कि वो इसका दर्द दूर करने की कोशिश करेगा। इसे और तो कुछ सुझाई न दिया, तभी इसने एक अजीब बात कह दी, तुम अपनी बुजदिली पर नादम हो तो इस नदामत को अब दूर कर दो। तुम मेरे हरम में रहकर खुद को गुलाम समझती हो और इस बात के लिए खुद को गुनाहगार भी समझती हो, इसलिए मैं तुम्हें तजवीज दूंगा कि तुम खुद को अपनी बहादुरी के जरिए आजाद करवाने की कोशिश करो। मैं अपनी पेशकश पर कायम हूं, तुम यहां से भाग निकलो, यही मेरी पेशकश है। देखो कलाडीना, मेरी एक बात याद रखो, अगर तुम अपनी किसी गलती पर नादिम हो तो तुम्हें इसका अजाला करना चाहिए, ना कि इस नदामत की वजह से मायूस और गमगीन रहना चाहिए। अब हैरान होने की बारी कलाडीना की थी। इसे यूं लगा जैसे कार्थी सालार ने इसके दिल का चोर पकड़ लिया हो। वो अपनी जगह जिज-बिज होकर रह गई। वो चाहती तो अपनी सफाई पेश कर सकती थी, लेकिन न जाने क्यों आज इसके लेजे का सच सर चढ़कर बोल रहा था। इसने कहा, सालारे कार्थेज, आप जानते कि यह आसान नहीं, लेकिन मैं दिल से चाहती हूँ कि मैं किसी तरह यहां से फरार हो जाऊं। मैं अपनी नदामत का दाग धोना चाहती हूँ। मुझे मालूम है कि मेरी आज की सच्चाई मेरे इस काम को और भी दुश्वार कर देगी। नहीं, तुम्हारे अंदर अभी यकीन की दौलत कम है, और मैं तुम्हें मशवरा दूंगा कि जब तक तुम्हें यकीन ना हो जाए कि कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर है, तब तक तुम अपने मंसूबे पर अमल पैरा ना होना। जंग में कामयाबी का पहला उसूल यह है कि पूरी फौज के हर सिपाही का दिल कामयाबी के यकीन से मामूर हो। तुम जानती हो मैं कभी नहीं हारता, सिर्फ इसलिए कि मुझे हमेशा अपनी जीत का यकीन होता है। एक आका और लोंडी में बड़ी अजीब बातें हो रही थी। दोनों ही बेझिझक सच बोल रहे थे। कलाडीना को 5 माह में पहली मर्तबा बर्तास से अपनी नफरत कम होती हुई महसूस हुई। इसने एक अजब शान से पलके उठाई और सर को थोड़ा सा तिरछा करके करताजनी सालार की जानिब देखा। हसीन कलाडीना का ये अंदाज बड़ा ही कातिल था। बर्तास के दिल को आज इस लड़की की सच्चाई ने छू लिया था। वो कुछ और ही सोच रहा था। मान इसकी निगाहें वादी में काम करते लोगों की तरफ उठी। इसने एक लंबी सांस ले उठ खड़ा हुआ। इसके साथ ही कलाडीना भी उठकर खड़ी हो गई। अब बर्तास वापिस जा रहा था। वो देव हैकल धारीदार पत्थर पर से उतरा और वादी के मैदान की जानिब चल दिया। कलाडीना अकब से इसे जाते हुए देखती रही। ठंडी हवा के झोंके इसकी जुल्फों को लहरा रहे थे। वो देर तक बर्तास के चोरे चकले कंधों को अकब से देखती रही, यहाँ तक के बर्तास अपने सिपाहियों के करीब पहुंच गया। उस रात न जाने क्यों कलाडीना के दिमाग में ये ख्याल मौजूद था कि आज रात बर्तास इसे बिस्तर पर बुलाएगा, लेकिन जब वो सोने के लिए लेटी तो हैरान थी कि अभी तक आका का बुलावा नहीं आया। वो सो गई। अगली रात, फिर उससे अगली रात, हत्ता के कई रोज गुजर गए। वो बेहद हैरान हुई। इस अरसा में बाकी लड़कियां बारी बारी करताजनी सालार का बिस्तर गर्म करती रही, लेकिन कलाडीना को शायद बर्तास भूल गया था। बर्तास की इस तर्ज अमल से कलाडीना के दिल में दो ख्याल गुजरते थे। पहला ये कि
बर्थास एक अच्छा इंसान है और वो क्लाडिना का गम जानकर इसे इज्जत दे रहा है, और दूसरा ये कि बर्थास एक बुजदिल इंसान है जो इसकी सच्ची हुर्रियत पसंद लोंडी से डरता है कि ये लोंडी से कत्ल ही ना कर दे। क्लाडिना का दूसरा ख्याल गलत था। दिन पर दिन गुजरते गए, लेकिन फिर बर्थास ने क्लाडिना को अपने बिस्तर पर ना बुलाया। बर्थास के जासूसों ने इसे बताया कि रूमी सालार अरमेंडस दर्रादारी उनकी तरफ बढ़ता आ रहा है, गोया अब इसे अपनी मुशक्कत का फल मिलने वाला था। रूमी सालार का लश्कर बर्थास की मौजूदगी से मतलब बेखबर था। बर्थास ने यहाँ पड़ाव डालते वक्त आसपास की बस्तियों में कत्लेआम किया था। ऐसा कोई शख्स यहाँ ना बचा था जो अरमेंडस को बर्थास की मौजूदगी की खबर देता। यही वजह थी कि रूमी सालार नहायत तेजी के साथ दर्रादारी उनकी तरफ बढ़ रहा था। इस दर्रे से गुजर कर वो सिर्फ दो रोज की मुसाफत तय करके साहिल समुद्र तक जा सकता था। बेचारा अरमेंडस रास्ते में मौजूद पेश आमदा खतरात से बेखबर मौत के दहाने की तरफ बढ़ रहा था। इसके इल्म ये तो था कि इसका दुश्मन बर्थास इससे 4 किलोमीटर दूर मगरिब में मौजूद है, और यह अरमेंडस की जासूसी निजाम की नाकामी का मुंह बोलता सबूत भी था। बहुत जल्द रूमी लश्कर दर्रादारी उनके दो पहाड़ों में पिसने वाला था। दूर करताजना में मजलिस अमा के नुमाइंदे बर्थास और बूढ़े बहरी सालार मुआबरेस की सूरत हाल पर बहस कर रहे थे। करताजना, जिसे लातीनी लोग कार्थेज कहते थे, 500 कबले मसीह में रुसुल बिलाद था, जहाँ सुबह शाम शहनाइयां बजती। बाजारों में हर मुल्क के गाहक करताजनी मसनूआत खरीदते नजर आते। जंग की खबरें देने वाले हर कारे हर चौक में खड़े होकर अपने फातहीन के मारकों की बाबत अपनी आवाम को बताते। ऊंची नशीस्तों वाली बड़ी बड़ी दुकानें शहर करताजना की अजमत का निशान थी। अहले करताजना ने अपने शहर के गिरदा गिर्द कभी फसील बनाने की जरूरत महसूस न की थी, क्योंकि शहर के तीन अतराफ में नीलगुस मंदिर की कुदरती फसील थी और चौथी समत दुनिया भर के सौदागरों के लिए खुली रखी थी। दस्तूर के मुताबिक शहर की अहाताबंदी करने के लिए सुर्ख ईंटों से बनी एक लंबी दीवार शहर को जंगल से अलग करती थी। शहर का दरवाजा दिन भर खुला रहता और महज महसूलात की आमदनी ही हर शाम वजीर खजाना को हैरान कर देती। ये हुनरमंदों का शहर था। दुनिया भर के ममालिक को यहाँ से हर किस्म की मसनूआत मिलती थी। यही वजह थी कि करताजनी बाशिंदे सबके दोस्त थे और तकरीबन तमाम अकवाम में इनकी इज्जत थी। लेकिन मजलिस करताजना को फिर भी अपने दो मायानाज सालारों सालार रूमियों के साथ लड़ने के लिए भेजने पड़े। मजलिस के तमाम अरकान इस बात पर बहस कर रहे थे कि इनकी फौजों को वापस आ जाना चाहिए। मैन्यू खानदान के अफराद मौजूदा वजीर आजम के मुखालफीन में से थे, और इसी खानदान के ज्यादातर लोग शहर की अशराफिया और मजलिस अमा के नुमाइंदे थे। आज की बहस में एक मैन्यू सरदार कासीबाल बार बार वजीर आजम को सुस्ती, काहली और लापरवाही के ताने दे रहा था। वो कह रहा था, हुकूमत कौम का खजाना बर्बाद कर रही है। बर्थास और मुआबरिस की तरफ भेजे जाने वाली कुमक और असद का तखमीना शहर के पहरे के बराबर खर्च है। दोनों लश्कर भेजते वक्त हमारा मकसद ये था कि हम रूमी सल्तनत पर अपनी ताकत का रोब डालें और इन्हें ये बता दें कि हम कोई तरने वाला नहीं जिसे वो आसानी के साथ निकल जाए। लेकिन हुकूमत इस मकसद में नाकाम रही। दोनों सालार छोटी छोटी रूमी बस्तियों को यूं लूटते फिर रहे हैं गोया आवारा लुटेरे हों। मैं कहता हूँ बर्थास और बूढ़े मुआबरिस को वापस बुलाया जाए। हमें किसी की जमीनी छीनने का कोई हक नहीं। रूमी हम पर कभी हमला नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सरजमीन इनके लिए हमेशा अजनबी रहेगी। मैन्यू खानदान के सरदार कासीबाल की कड़कदार आवाज से अहले मजलिस सहम गए। वजीर आजम अपनी नशीस्त पर पहलू बदलने लगे। इसी असना में एक और मैन्यू सरदार ने उठकर कहा, हमारा बर्मी सिपा सालार बर्थास 19,000 की फौज को लेकर बर्फ से ढके एक दर्रे में 4 माह से बेकार पड़ा है। इसके हरम में 7-7 लड़कियां हैं। इस शदीद सर्दी में कौम के बेहतरीन सिपाहियों को यूजाया करना कहां की दानिशमंदी है। मैं कहता हूं बर्थास को पाबा जंजीर वापस बुलाया जाए और उसे सजा दी जाए। अब अहले मजलिस की निगाहें वजीर आजम की जानिब उठ गई। 60 साल अरफलकर मुखालफिन की सख्त बातों का सामना किए बगैर नहायत बुर्दबादाना लहजे में अहले मजलिस से मुखातिब हुआ, मोजीन अराकीन मजलिस, हमारे दोनों सिपा सालारों ने कौम के तमाम मकासद को हर लिहाज से पूरा किया है। हमने इन्हें 3 सालों में कुल 6 बार गजाई रसद भेजी, लेकिन इन 3 सालों में बर्थास ने 1400 टैलेंट चांदी, 28 किलो सोना और 30,000 टैलेंट चांदी के बराबर दीगर मालिक गनीमत अहले करताजना के लिए भेजा है। जहां तक हमारी बहरी मुहिम का ताल्लुक है तो इसमें भी हमें कामयाबियां हुई हैं। जब मुआबरेस यहां से रवाना हुआ था तो इसके पास 200 जहाज थे, लेकिन अब इसका बहरी बेड़ा 2 अलग अलग हिस्सों में मुनकसिम है और हर हिस्से में 200 जहाज हैं। अब तक हमारे बहरी सालार ने अनगिनत माल से लदे जहाज करताजना भेजे हैं, जबकि हमारी तरफ से माल सिवाय गजाई इमदाद के
मुआबरेस की जानिब कुछ नहीं भेजा गया। वजीर आजम और फलकर की बेटी जो दानिशमंद थी, अहले मजलिस के सामने अपने बाप का मुदल्लल जवाब सुनकर मुस्कुराने लगी। जाफी कस्बी आमिला की रुकन थी। वजीर आजम की 34 साल कुंवारी बेटी ने करताजना की इस रवायत को जिंदा रखा था कि रोजे अव्वल से शहर की दानाई में एक न एक दोशीजा के साथ जुड़ी रही थी। आज मजलिस में जाफी कस्ब मेन्यू खानदान के एतराज को बेबुनियाद करार दे रही थी। अपने बाप की बात मुकम्मल होने के बाद वो खुद अहले मजलिस से मुखातिब हुई। मुअज्जिज अराकीन मजलिस, जैसा कि वजीर आजम ने बताया कि हमने अपने 3 साल मार्कों में नुकसान के बजाय फायदा हासिल किया है, लेकिन मजलिस के मुअज्जिज मेन्यू खानदान के अमायदीन हमारे दोनों लश्करों को वापस बुलाने की बात कर रहे हैं। हकीकत में ये मसला किसी एक फर्द का नहीं है, लिहाजा बेहतर ये होगा कि हम अहले मजलिस की राय शुमारी के जरिए इस सवाल का जवाब हासिल करें। मैंने खानदान की एक खातून ने वजीर आजम की बेटी को बोलते देखा तो इससे ना रहा गया। वो अपनी जगह मटक कर बोली, राय शुमारी की कोई जरूरत नहीं, हमने तायत अशमून हेलर और मिल कर्त के मंदरों से शगुन लिए हैं और हमारे देवताओं ने हमारे काहनों की जुबानी हमें इशारे दिए हैं कि मजीद जंग करताजना के हक में बेहतर नहीं होगी। मजलिस अमला की गर्मागर्म बहस जल्द खत्म होने वाली नहीं थी। गुज़श्ता कई रोज से हर इजलास में यही बहस चल रही थी। मैन्यू खानदान के लोग हर रोज मंदरों के शगुनों को अपने हक में इस्तेमाल करते। वजीर आजम की दानिशमंद बेटी के लिए यही बात सबसे ज्यादा परेशान कुन थी। आज की बहस के बाद इसने फैसला कर लिया था कि वो भी धरती माता ताई देवी के मंदिर से जंग के हक में शगुन लेकर आइंदा इजलास में पेश करेगी। आज का इजलास भी बगैर किसी नतीजे पर पहुंचे खत्म हो गया। नया शहर यानी करताजना 200 साल पुराना था। शुरू में वो फैन की कौम के लिए स्पेन के रास्ते में एक पड़ाव का काम देता था और इसमें अब तक अपनी असल और इब्तदाई हालत के निशान मौजूद थे। एक तंग जजीरा नुमा जो खलीजे त्यूनिस के अंदर घुसा हुआ था। इसके आखिरी नोक पर जबले मुकद्दस की सलीक नुमा चोटियों के 400-500 फीट ऊंची पहाड़ी के नीचे एक आर्जी बंदरगाह की बुनियाद डाली गई थी। इसके बड़े बड़े पुश्ते जहाजों को शुमाल मगरिब की खतरनाक हवाओं से महफूज रखते थे। जजीरा नुमा की गर्दन पहाड़ियां करताजना की बंदरगाह तक खुश्की के रास्ते हिफाजत करती थी। एक दूसरी दाखिली बंदरगाह जंगी जहाजों के लिए पहाड़ों को तराश कर बनाई गई थी। शक्ल में चक्कर की तरह गोल ये एक बड़ी मेहराब के अंदर वाकई थी और 200 जंगी जहाज इसमें लंगर डाल सकते थे। हर गोदी के साथ रसूम अदा करने के लिए संगे मरमर के स्तून थे जहां पर जहाज आकर ठहरते थे। ये एक जजीरा नुमा था जिस पर महकमा बहरिया के दफातर वाकई थे। यहाँ फिरौन के छोटे से बुद्ध की मानिंद एक ऊंचा मीनार था जहां से बाहर की समुद्र पर निगाह रखी जा सकती थी। ये मीनार जहाजों को इशारे और पैगाम देने के लिए भी इस्तेमाल होता था। गोल मेहराब के पीछे गोदामों में लकड़ी, हथियार, रस्से और जंगी सामान भरे रहते थे। एक हिफाजती दीवार ऐसे लोगों को जो यहाँ आने के मजाज ना थे नागहानी वक्त इस खुफिया बंदरगाह पर जासूसी करने से बाज रखती थी। एक बहुत फराक सरख किला बैरसा को जाती थी करीबन 200 फीट की बुलंदी पर, जिसका रकबा एथेंस के बाला हसार किला क्रूपा के बेमुश्किल निस्फ होगा। ये जगह खुली तौर पर मंदिरों के लिए मखसूस थी जिनमें धरती माता ताइब सेह देने वाले अशमून और मलकर्त के मंदिर सबसे नुमाया थे। क्योंकि वस्ते शहर में जगह की किल्लत थी चुनाचे मेमारों ने साथ साथ मंजिल बुलंद मकानात बनाए जो बेरसा किले के आसपास थे और जिनके अकब में रोशनी हासिल करने के लिए खुली छतें थी। इन मकानों में बारिश का जखीरा करने के लिए बेशुमार होस बने हुए थे। यहाँ वो मेमार और अजीम बढ़ाई रहायश रखते थे जो पूरे बहरे रूम की मंडियों को सामान मुहैया करते थे। इनकी अपनी अपनी जमातें थी जो मुश्तरक दस्तरखानों पर जमा होती और शहर के मामलों पर अपनी राय का इजहार करती। बेरसा किले की बुलंदी से जजीरा नुमा के साथ एक चौड़ी सड़क 7 मील तक बागात में से होती चली गई थी। यहाँ अजीम फैनकी मेमारों की कब्रें थी जिन पर फैनकी संग तराशी का लासानी काम किया हुआ था। समंदर की तरफ दूसरे अहाताबंद बागात थे जो ऐसे बड़े खानदानों की मलकियत थे जिन्होंने तजारत से दौलत कमाई थी। इनमें हनू खानदान नुमाया था। शाहरा के किनारों पर जो हजूम गुजरता था इसमें करताजना के बाशिंदे कम ही होते। इनमें चुगे पहने सौदागर सुबकरू घोड़ों पर सवार होते और इनके जलों में नफीरी बजाने वाले नफीरी बजाते हुए चलते। कई सुरानी लोग गर्दालू सड़क पर चलते नजर आते जिनके कंधे अपने बोझ के नीचे भी सीधे रहते थे। मसालिया के जंगजू अपने अहलो अयाल समेत इस बेहदो हिसाब दौलत की तरफ कदम फरमाई करते दिखाई देते। लीबिया के किसान भी जो जरखे साहिल के असल बाशिंदे थे अपनी गाड़ी इस मारामारी में शहर के हजूम में हाँक कर घर ले जाते।
सांवले यूनानी अपनी मखसूस चाबुक को चरखाकर अपनी पुरानी तर्ज के बारो रथों के साथ रास्ता बनाते। अमूमन देहाती घोड़े हाथियों को देखकर भिदक जाते। भारी भरकम हाथी जो सामान के बड़े बड़े बोझ लिए चुपचाप रास्ता तय करते। काफिलों पर काफिले गुलामों की सरजमीन यानी अंदरूनी अफ्रीका से आते और यहाँ की सड़कों पर नमूदार होते थे। हकीकतन करताजना की शाहराहें अफ्रीकी बरियाजम की रगे बन गई थी। इनके तवस्सुल से अफ्रीका की पैदावार में यहाँ से जहाजों के जरिए बहरे रूम के दूसरी बंदरगाहों की तरफ रवाना की जाती थी। करताजना कौमों का आसाबी मंजर बन गया था और समंदर के किनारे इसकी सूरत एक आलमी सदर मुकाम की हो गई थी। इसकी दुकानों में फैन की जुबान के साथ साथ वहाँ की असल जुबान भी सुनाई देती थी। हकीकत में करताजना मशरिकी शहर ही था। करताजना की एक और खसूसियत ये थी कि ये शहर हमेशा आजाद रहा था। मौजी सामीन हजरात, करताजना की ये कदीम दास्तान अभी जारी है। बकिया वाकया अगली किस्त में। देखते रहिए नावलिस्तान, इस्लामी और तारीखी कहानियों का मरकज। अल्लाह हाफिज।